नौबत। क्या आप जानते हैं कि नौबत कैसे कहा जाता है? सहनाई और नगाड़े से बजाए जाने वाले संगीत को नौबत कहा जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है रूप कुमार, देखते रहिए मेरा ये वीडियो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हेरिटेज म्यूजिक। दोस्तों, ये म्यूजिक सालों साल से यहाँ पे बजाया जा रहा है। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के समय में नौबत बजाया जाता था, दरबार में, महलों में या कोई समारोह में नौबत बजाने की परंपरा थी। अभी हम लोग ऊपर जाकर नौबत को सुनेंगे और वहाँ के कलाकारों से मिलकर समझेंगे कि ये परंपरा कैसे सदियों से यहाँ पे चली जा रही है। ये जैसे हमारे हम बजाते नौबत यहाँ पर अहमद साहब बादशाह की जो नौबत बोलते हैं इसे, हाँ। और हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी है, जैसे हाँ, जैसे हमारे बाप दादा से हम यहाँ पर जो सलामी देते हैं अहमद साहब बादशाह को, जैसे सलूट मारते हैं उनको, जैसे हमारे सलामी देनी पड़ती है। और शाम को 7 बजे और रात को 11 बजे वो डेली हम बजाते हैं नौबत, 11 बजे। और गुरु और शुक्रवार वो 5 टाइम होता है हमारा, जैसे कि सुबह 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे, वो 5 टाइम हो जाता है। यानी हमारी बरसों सी, मतलब जैसे कि हमारे दादा के टाइम से इसी जगह हम बजाते हैं, हमारे परदादा दादा, और इसी जगह हमने 600 साल से हमारा ये सिलसिला मतलब चालू होता है। जब अहमद साहब बादशाह ने जब मतलब जैसे कि बाहर दरवाजे अपने कोर्ट विस्तार के अंदर, जैसे कि बाहर दरवाजे, वो बाहर दरवाजे पहले बंद हो जाते थे, हम 11 बजे यहाँ पर नौबत जो बजाते हैं तो बाहर दरवाजे पहले बंद हो जाते हैं। इसी तरह बाहर का लोग अंदर नहीं जा सकता, अंदर का लोग बाहर नहीं जा सकता। पहले ऐसा हमारा दादा के टाइम में ऐसा था, अब ऐसा रहा नहीं। मतलब जैसे कि दरवाजे कोई जगह है नहीं है, वो अब बंद नहीं हो। जितने भी लोग
या तो बाहर रह जाते थे या फिर अंदर आ जाते थे। वो जैसे कि टाइम हो जाता है कि यहाँ पर जैसे कि नौबत बजी अब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, उनको टाइम मालूम पड़ जाता था। पहले के जो बुढ़े थे जो हमारे दादा के टाइम के थे उनको ऐसा सबको ऐसा लगता था कि भाई अब अहमदाबाद में नौबत बजेगी तो अपना 11 बजे पहले मतलब क्या बाहर हो क्या अंदर आ जाओ, तो इस तरह वो सिल्क ये चलता था। पहले तो ऐसा क्यों था कि मतलब बाहर वाले बाहर रह जाए अंदर वाले अंदर, ये जैसे कि इनकी परंपरा थी हमारे सब बादशाह। जैसे कि अभी जैसे कि हम यहाँ पर इतनी पाँचवीं चौथी पेरी हमारी हो गई कि भाई इनकी नौबत मतलब इतने साल सी इनकी नौबत मतलब चालू रही है कि इनके हमारे दादा के टाइम से हम बजाते थे। हमारे पिताजी जैसे कि हम पिताजी थे हम जब सीखे, हमारे दादा थे हम बहुत छोटे थे, बहुत मतलब जैसे कि 5 साल के थे कि 10 साल के। आपका क्या नाम है? अमीर मियाँ। उनके बारे में मेरा बड़ा भाई है शेरू भाई। बड़े भाई हो? हाँ, हमारे दादा का नाम भी शेरू भाई था। अच्छा, ये हमारे पिताजी है। अच्छा, बीच में आपको बता दें। हाँ, दोनों फोटो एक ही है। दोस्तों यदि आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे मैं आपके लिए ऐसे यूनिक वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।